नमस्कार मित्रों, हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जितने भी मित्र चैनल से नए जुड़े हों तो आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है पाठिका शब्द में प्रत्यय लगा है। तो पाठिका शब्द में इका प्रत्यय लगा है, ऐसे शब्दांश प्रत्यय कहे जाते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इसके अलावा लेखिका, अध्यापिका, ये सभी भी जो है इका प्रत्यय से बनते हैं। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? तो मालिन शब्द में मालिधन इन लगाने से माली का मालिन बन जाता है। इसमें लगा है कुरूप में कु उपसर्ग लगा है, इसमें परा उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका प्रत्यय से युक्त शब्द है मालिन, ए हो गया आपका राइट आंसर। अगला है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा है? तो कुछ शब्द ऐसे रूढ़ शब्द होते हैं, बनावट की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके और सार्थक खंडन नहीं किए जा सके, जैसे आपका लावा, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है। शेष तीनों में दिखावा, चढ़ावा, भुलावा में आवा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला है, कौन सा शब्द पुलिंग है? तो पुलिंदा आपका पुलिंग शब्द है, ठीक है, डी होगा आपका राइट आंसर। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। तो हाथी यहाँ पर आपका विकारी शब्द है, शेष तीनों आपके अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय आपके चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, एक प्रकार और होता है वो आपको बताना है। फिर देख लीजिए, निजी गद्यांश दिया गया है, इस पर आधारित प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प हैं, आपको बताना है राइट आंसर। तो आप लोग भी आंसर करते चलेंगे बिल्कुल। आइए गद्यांश पहले देख लेते हैं। यदि तुम भविष्य को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो तो समय के प्रत्येक क्षण का उपयोग करो। प्रत्येक क्षण तुम्हारी प्रगति का क्षण है। जीवन की दौड़ वास्तव में विद्यार्थी जीवन में आरंभ होती है। बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर अगर इसको पढ़ते हैं तो इसके बाद आपको प्रश्नों के आंसर करने के लिए बिल्कुल भी फिर से इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीवन की दौड़ वास्तव में विद्यार्थी जीवन में आरंभ होती है। जिन विद्यार्थियों की दृष्टि दूर भविष्य के क्षितिज में अपने लक्ष्य को ढूंढने में लगी होती है, वे विश्राम नहीं किया करते। आइए अब इस पर आधारित प्रश्नों को करते हैं। पहला देख लीजिए, इस गद्यांश में संज्ञा शब्द कुल कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? तो ये तो आपको बिल्कुल काउंट करना पड़ेगा। कुल 18 बार प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। जैसे आपका भविष्य हो गया, मुट्ठी हो गया, ठीक है, समय हो गया, इस तरह से आपको काउंट करना है। विद्यार्थी हो गया, जीवन हो गया, कुल 18 बार यहाँ पर संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है, इस गद्यांश में विशेषण शब्द के कुल कितनी बार प्रयोग हुए हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 3 बार प्रयोग हुआ है विशेषण शब्द। फिर अगला है आपका, गद्यांश में अस्पष्ट रूप से कारक के शब्द कुल कितनी बार प्रयुक्त हुए हैं? तो कारक के जो विभक्तियां होती हैं ना, से, ने, को, में, पे, पर, ये सभी होती हैं, तो कुल मिलाकर के 13 बार प्रयोग हुए हैं। को, मैं, के, में, को, ये सभी मिलाकर के कुल 13 बार प्रयोग हुए हैं। अगला है, गद्यांश में सर्वनाम शब्द वे निम्नलिखित के लिए प्रयोग हुआ है? तो सर्वनाम शब्द वे का प्रयोग विद्यार्थियों के लिए आया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो सौंदर्यता अशुद्ध शब्द है, जबकि सुंदर, सुंदरता एवं सौंदर्य ये शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, इनमें से तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है? तो वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान काल। तो वह जा रहा है, इसमें
अभी क्या है, कार्य बिल्कुल अभी तुरंत तात्कालिक में हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वह जा रहा है में तात्कालिक वर्तमान काल का एग्जाम्पल है, सी हो गया राइट आंसर। किस वाक्य में अपादान कारक है, तो कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं, 8 विभक्तियाँ होती हैं, तो जिस से विभक्ति होती है अपादान कारक के लिए, तो जिस विभक्ति या जिस कारक से अलग होने का अर्थ होता है, प्रकट होता है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें आपका अपादान कारक है, इसमें कर्ता कारक है, इस इन दोनों में जो है आपका करण कारक है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये वर्तमान काल में है। अगला है बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप लिखिए, तो बकरी का पुल्लिंग होता है बकरा। फिर है आपका ठीक सर्वनाम को चुनकर खाली जगह को भरना है, तो हमेशा सच बोलिए, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम आप का प्रयोग करेंगे,